हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप मैंडिस किचन से एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ झटपट से कपकेक कैसे बनाते हैं, और वो भी बनाना से। तो चलिए मेरी किचन में कैसे बनाते हैं इसे देखते हैं, और ये भी बिना किसी ओवन से और ना ही कढ़ाई से, इसे मैं बनाऊंगी माइक्रोवेव में। तो चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं। ये हाफ कप मैंने मैदा लिया है, इसे मैं स्टेन कर देती हूँ। इसमें मैं डालती हूँ 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, और 1/4 स्पून मैं डालूँगी, कुल इतना मैं डालती हूँ इसमें बेकिंग सोडा। अब इसको हम अच्छे से इस तरह से स्टेन कर देंगे, ताकि जितना जिसमें अंदर लम्ब्स कुछ इकट्ठे होते हैं, और जो पाउडर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा है वो उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए इस तरह से। अब इसे मैं इसमें डाल देती हूँ सारा। अब ये मैंने लिया है पूरा राइपन हमारा जो है बनाना है, जिसे मैंने लिया है। अब इसको मैं इस तरह पील करके और इसमें डाल के, चाहे तो आप चाकू से वैसे वो चम्मच से वैसे मैश कर दीजिए, बट मैं इसे ब्लेंडर में डाल के मैश कर देती हूँ। ये देखिए अच्छे से ये मैश हो गया है हमारा। अब इसके अंदर मैं मिलाऊंगी, ये देखें हाफ से भी कम मैंने लिया है, जितना मैंने हाफ कप मैंने मैदा लिया है, और हाफ से भी कम मैंने तेल लिया है। आप रिफाइंड डाल सकते हो, उसमें बटर डाल सकते हो, ये मैंने लिया है। अब इसमें हाफ से भी उतनी, हाफ से थोड़ी कम मैंने शुगर ली है। अब इन्हें मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा लीजिए, बट हम कम प्रेफर करते हैं, इस करके हमने कम शक्कर ली है, क्योंकि बनाना भी मीठा होता है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। क्योंकि हमने ग्रैनुलर शुगर लिया है, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर आप पाउडर शुगर लेते हैं तो मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं, ये पूरा मिक्स हो जाता है अच्छे से। ये देखिए एकदम बहुत अच्छे से हमारा ये घुल गया है। अब इसके अंदर मैं जो हमारा ये जो मैदा मैंने छान के विद उससे रखा था, वो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, और इसे बस एक बार मैं चर्न कर दूँगी। ये देखिए बहुत अच्छे से चर्न हो गया है। अब इसके अंदर हल्का सा मैं 1 से 2 ड्रॉप मैं वनीला एसेंस डालती हूँ। मैं थोड़ा गाढ़ा है ये, क्योंकि बनाना की वजह से काफ़ी गाढ़ा हो जाता है, तो अब मैं इसमें 1/2 कप ये दूध डाल देती हूँ और इसे एक बार मिक्स कर दूँगी। आप हाथ से भी कर सकते हैं अगर आप ब्लेंडर नहीं यूज़ करना चाहें तो। ओके, अब मैंने ये 1 कप लिया है, इसे मैंने ग्रीस कर दिया है ऑयल से, रिफाइंड से, बटर से इसे ग्रीस कर दिया है। अब इस बैटर को मैं इसमें निकालती हूँ, इसके अंदर मैं डालूँगी। अब इसके अंदर ये देखिए इसमें डाल दिया। अब इसके अंदर मैं कुछ डालती हूँ किशमिश, 3-4 किशमिश डाल दूँगी, और इसे हम रखेंगे अलग। अब ये जो रेस्ट ऑफ द बैटर है, इसके अंदर हम मिलाएंगे चॉकलेट पाउडर, 1/2 स्पून के करीब चॉकलेट पाउडर मिलाएंगे, और 1/2 स्पून हम मिलाएंगे इसमें कॉफ़ी पाउडर, 1/2 स्पून कॉफ़ी पाउडर। इसे एक बार फिर चर्न कर देते हैं। अब एक और कप लिया है मैंने, अब इस बैटर को मैं इस कप में डाल देती हूँ। तो आप देखेंगे एक ही बैटर से मैंने 2 टाइप के कपकेक बनाए हैं। ऐसे आप जितने चाहे आप उस तरह से बना सकते हैं। अब ये मैं चूँकि बेक नहीं करूँगी, इसे मैं 5 मिनट माइक्रोवेव में इसे चलाऊँगी 5 मिनट। अब तो जो भी आप कप लेंगे वो माइक्रो सेफ होने चाहिए, तो ये दोनों कप मैं इसके अंदर रख देती हूँ, और हम इसे 5 मिनट के लिए सेट कर देते हैं। अब ये देखिए ये हो गए हैं, मैं इसे निकालती हूँ और इसे चेक करते हैं कि अगर, ये देखिए कितने अच्छे हमारे ये हो गए हैं, बहुत सुंदर हमारे ये बने हैं। ये देखिए एकदम फर्स्ट क्लास हमारे ये बन गए हैं, एकदम सॉफ्ट हमारे ये केक बने हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे निकाले, एकदम सॉफ्ट।